हैं जिसमें ब्लैक बक है, चिंकारा है, मेफ्लोन शीप है, ब्लू बुल है, एडेक्स है, ऑरेक्स है, चीतल है, फेलो है, अल्बाइनो है, ये सारी हमारे पास एक मुकम्मल कलेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। भाईजान आज आपका भाई आया कराची में जिमी के पास और यहाँ पर आपको डील्स की वन बाय वन करके जितनी भी स्पीशीज हैं सारी दिखाई जाएंगी। एंटीलोप क्या है और डील्स क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने एक एक ट्रायो सेट से, मतलब एक मेल दो दो फीमेल से क्वांटिटी कितनी ज्यादा की है वो भी दिखाया जाएगा। और आप लोग सब के सब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर इस जू का लिंक आ रहा होगा, आप लोग डायरेक्ट आके यहाँ पर विजिट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आके अपने बच्चों को थोड़ा बहुत एजुकेशन पर्पस के लिए लाना चाहते हैं, जानवरों के साथ थोड़ा बहुत अटैचमेंट करवाना चाहते हैं जिसमें आपके बच्चे इनके साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं जिमी के पास और वन बाय वन करके देखते हैं कि यार इसने कौन कौन से डियर कितनी कितनी क्वांटिटी में रखे और कितने सालों में इसने रेडी की है। अस्सलाम वालेकुम जिमी भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई, एक तो टिकटॉकर, ऊपर से हमारे लिए टार्जन, हर चीज लेके बंदा आ जाता है। सीरियसली मैं खुद पेट लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, बट सब कुछ लेके आते हो, देखे बहुत मजा आता है, दिल से खुशी मिलती है। तो जिमी भाई क्या क्या है यहाँ पे डियर्स के अंदर खाली? अभी यहाँ पे हमारे पास डियर्स एंड एंटीलॉप्स में डिफरेंट स्पीशीज हैं जिसमें ब्लैक बक है, चिंकारा है, मेफ्लोन शीप है, ब्लू बुल है, एडेक्स है, ऑरेक्स है, चीतल है, फेलो है, अल्बाइनो है, ये सारी हमारे पास एक मुकम्मल कलेक्शन है। और माशाल्लाह से यहाँ पर जो है वो ब्रीड कर रहे हैं, ब्रीडर जो लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ी नॉलेजेबल एक चीज होने लगी है, क्योंकि हम इसी आपके चैनल को तो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, इसी तरीके से नॉलेज हम लेते भी हैं और देते भी हैं इसी चैनल से। तो हमने जो सीखा हुआ है वो भी आपको बताएंगे और आपसे इंशाल्लाह कमेंट्स के अंदर जो है और चीजें सीखने को भी मिलेंगी। तो अभी हम आपको टूर करा देते हैं हमारी डियर्स की जो फैमिलीज है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो कुछ सालों पहले जो हमारे ओनर है बिलाल ख्वाजा साहब, उन्होंने यहाँ पे ट्रायो लेके केजेस के अंदर डाले थे और आज ऑलमोस्ट कोई 9 to 8 years के ऑलमोस्ट होने लगा है और आप हर केजेस के अंदर आप सिर्फ क्वांटिटी देखेंगे कि कितनी होगी। हालांकि इसमें जितने भी मेल्स हैं एक्स्ट्रा प्लस में वो सब जा चुके हैं, एक्सचेंज कर चुके हैं, हम लोग सिर्फ फीमेल्स को काउंट कर रहे हैं, उसका डबल कर लेते हैं कि ये डबल होते हैं अगर मेल होते इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा ही हो सकते हैं, ये सिर्फ शौक से होता है, ये मतलब किसी भी किस्म का बिजनेस से नहीं हो सकता। सो फर्स्ट केज की तरफ जा रहे हैं जिमी, यहाँ पे क्या है अंदर? ठीक है, अच्छा ये ब्लैक बग्स हैं और ये अपनी नौयत से वैसे ही मशहूर हिरन है क्योंकि सलमान खान ने इनको मशहूर करा दिया था। हाँ। और इस केज के अंदर इस वक्त भी जो है ना वो 2 to 3 बच्चे आपको नजर आएंगे, फीमेल्स की तादाद आप देख रहे हैं कितनी है और मेल्स मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि कम रखे हुए। ब्रीडर्स हैं वो हमेशा क्या गलती करते हैं, अगर उनके बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं उसके अंदर जो मेल्स होते हैं वो उसको भी रोक लेते हैं और वो जब बड़े होते हैं तो वो अपने आप को दूसरों से लड़ते हैं, हिट करते हैं और दूसरे जो अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं केज में, उससे क्या होता है कि आपका जो केज है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। बेहतर हल यही है एक बड़ा मेल लें जो बाकी पूरे ग्रुप के ऊपर सुपीरियर हो और उसको एक दर्जन के करीब मादाएं दे दें आप, ठीक है, और फिर आपको कुछ भी करने की नीड नहीं। और माशाल्लाह इस वक्त आप देख सकते हैं और इसके अंदर से बहुत सारे मेल जो है हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, इसके अंदर हार्डली अभी 3 मेल आपको नज़र आएंगे, 2 बिल्कुल अभी पट्टे हैं और 1 बड़ा मेल है। और आप बच्चे आप देख सकते हैं 3 तो सामने ही नज़र आ रहे हैं, बाकी अंदर नाइट रूम के अंदर भी होंगे। तो 3 से आप लोगों ने 30 कर लिए, अब क्या दिखा रहे हैं आप? माशाल्लाह नेक्स्ट आपको ब्रीड दिखा रहे हैं एंटीलॉप की, बहुत ही मशहूर ब्रीड है जिसे ऑरेक्स कहा जाता है, और अरेबियन ऑरेक्स हैं। और ये हैं माशाल्लाह से अभी हमारे पास ये टोटल 5 हो गए हैं, 2 अंदर बैठे हुए हैं और उसके अंदर 1 बच्चा भी है इसका। तो इनकी जो ब्रीड है थोड़ी सी स्लो होती है, पीरियड क्या इसकी ब्रीड का? अराउंड जो है वो 200 to 215 days समथिंग जो है वो इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब कि ये पड़ गया 8 to 9 months या? हाँ हाँ हाँ, इनका और ब्लू बुल का जितने एंटीलॉप्स हैं ना उनका ब्रीडिंग जो टाइम है थोड़ा सा लेट है, मतलब उनके बच्चे देने का टाइम थोड़ा सा लंबा होता है कि जानवर भी ये बड़ा होता है और जब ये बच्चे देते हैं तो उनके बच्चे मुकम्मल ब्राउन कलर के पैदा होते हैं। कितने साल में हुए ये इतने? ये अभी हमारे पास वो समझे कि 2 हमने कहीं शिफ्ट भी किए थे, टोटल हमारे पास ये 9 हो गए थे, 9 से अभी ये 5 हैं, बाकी हमने शिफ्ट किए 9 साल में, ये तकरीबन 7 साल में हुए। वन टाइम में कितना ये देते हैं? एक बच्चा देते हैं एवरेज 1 बच्चा ही हो रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला बरकत डाले। नेक्स्ट क्या दिखा? रेड डियर है, रेड डियर एग्रेसिव रेड डियर है, ये डियर में आप कह सकते हैं सबसे बड़े होते हैं डियर्स में इनका साइज एंटीलॉप के बराबर होता है लेकिन ये है डियर और आप ये इनका साइज देखें। अच्छा इसका एक चीज मैंने सुनी है कि कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, सही है या गलत है? रहना पसंद करते हैं, पानी इनको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उसके अंदर अपना जिस्म जो है वो तर बतर करते रहते हैं, जैसे भैंसे आपने देखी होंगी वो पानी के अंदर जाके बैठ जाते हैं, इनके साथ भी ऐसा ही है, ये देखिए कीचड़ के अंदर खेल रहे हैं इस वक्त भी
और हमने मुकम्मल जमीन इसकी गीली करके रखी हुई है, बड़ा सा तालाब भी बनाया हुआ है। ये मेल है, ये देखें। जब तक इसके हॉर्न्स नहीं आते तब तक ये शरीफ है। झड़ने के बाद, हॉर्न्स आने के बाद, हॉर्न्स आने के बाद ही आपको बताता अपना जानवर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। और इन्होंने भी ब्रीड की है, इस केज के अंदर भी आप बच्चे देख सकते हैं, ये ट्रायो आए थे। और अब ये इसका नाम क्या है? हम इसमें कोई चिंटू मिंटू पेट नेम कोई नहीं है, रेड डियर है ना, आप इसे प्यार से लालू कहना। लालू पीछे चला जाए, मुझे शॉट लेना। लालू तंग आ रहा है यार, ये ऐसे ही कर रहे हैं, इसकी हरकतें हैं। जगह पे खड़े हुए ना इस वक्त, लालू की ऐसी की तैसी। लालू मैं अंदर आ गया, सींग उतार दूंगा। तो कितनी है लालू के साथ फीमेल? लालू हमें तंग आ रहा है। चार फीमेल है और बाकी ये बच्चे। चार फीमेल है, बाकी सारे इसी के बच्चे हैं। बेहतरीन। और मेल अगर होते तो मैंने आपको बताया, मेल एक्सेस नहीं रखते, एक आधा मेल एक्सेस रखते हैं भाई। ये तो 20-25-30 डाले होंगे, क्योंकि 30-40 तो मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं। मेल ट्रायो भी डाला था, दो ट्रायो थे, अल्बिनो का भी था और फेलो का भी था। और इसमें से ऑलमोस्ट कोई समझे कि एक दर्जन के करीब हमारे जो ओनर हैं चीजें। तो ये जो क्वांटिटी है ये भी 80% है, इससे ज्यादा हमारे पास दिखाते है कि हमने तो दिखाया भी नहीं है। अब मैं आपको अगर बताता चलूं तो ये है जहाँ पर तकरीबन 40 के करीब तो पीस होंगे। हाँ बिल्कुल, इन्हें फेलोडियस कहेंगे हम। बिल्कुल फेलोडियस में अल्बिनोज भी हैं, वाइट आप देख रहे हैं। ये हमने एक म्यूटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्बिनो की मादी हमने अंदर छोड़ी हुई है। अच्छा जिमी, आपके पास चिंकारा भी है? चिंकारा भी है हमारे पास और एक वो सॉरी मैफलून शीप भी है हमारे पास। शीप भी हैं बिल्कुल। आईबैक्स एडेक्स भी है हमारे पास। आईबैक्स नहीं है, एडेक्स है हमारे। अरे भाई छाए हुए, फिर तो मजा आएगा यहाँ पे। अभी हम लोग ब्लू बुल दिखाएं कि आगे चलें? ब्लू बुल देख लेते हैं, देख लेते हैं चलें। अच्छा ये ब्लू बुल नील गाय, ये हमारे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नेटिव हैं। ये पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, लेकिन अब इनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत कम रह गई है। और फार्मिंग के हवाले से ये भी बड़ी बेस्ट चीज़ है, और मीट पर्पस की फार्मिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, कंजर्वेशन के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। ब्रीडिंग फार्म के अगर आप इनको लेना चाहें तो भी बहुत अच्छा है। तो ये जो है जिस हिसाब से डियर्स लोग रखते हैं उस हिसाब से इनको नहीं रखा जाता, तो इनकी हमेशा खपत ही रहती है। ठीक है, तो जो वैसे हमारा तो नहीं है कारोबार वगैरह, हम नहीं करते हैं एजुकेशनल पार्क है, लेकिन मैं जस्ट आपकी, क्योंकि मैंने देखा आपके जो चैनल है उसमें फार्मर्स आपको बहुत फॉलो करते हैं, तो ये मैं उनके हवाले से कह रहा हूँ कि इसकी तरफ भी मूव हो, ये बहुत अच्छा है। और ये दो बच्चे भी एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, वन टाइम। इनका जो गेस्टेंसी पीरियड है वो भी अराउंड 200 से अबव भी होता है, यानी तकरीबन समझे 9 महीने तक या 8 महीने तक का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है। और ये दो बच्चे भी एक साथ। एक चीज़ सिर्फ जो पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ भी देखे हैं बहुत कमज़ोर देखे हैं, इनकी हाइट, इनका वेट और पसलियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, रीज़न क्या है यहाँ पर? हर केज के ऊपर टेकर खड़ा हुआ है। सीक्रेट मैं आपको, देखें डाइट तो हर कोई देता है ना। बिल्कुल, मैं आपको आए एक राज दिखाता हूँ कि ये होता कैसे। चलें जी, वो भी राज ये बताते हैं कि ये आपने अगर डियर्स को या एंटीलॉप्स को आपने हेल्दी रखना है तो आपने करना क्या है। भाई सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, केजिस के अंदर हर कोई डियर पालता है, लेकिन डियर और एंटीलॉप ऐसे जानवर हैं जिनको मूवमेंट की बहुत ज्यादा नीड होती है, इधर उधर भागने। अब ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड, ऑलमोस्ट 3 एकड़ से ज़्यादा का बड़ा ग्राउंड है। ये सिर्फ डियर्स को हम क्या करते हैं, उनका केज खोलते हैं, वो पूरा का पूरा झुंड अपने आप आता है और वो डेली दौड़ता है इसके अंदर, अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल सारे टाइम, इस वक्त भी हमने चीतल जो है वो छोड़े हैं, वो कॉर्नर में पूरा बहुत एंड पे जाके ग्राउंड इतना बड़ा है हमें नज़र भी नहीं आ रहा है पीछे। वो करीब से अगर आपको जो है वहाँ जाके दिखा देंगे, वो पूरा ग्रुप जो है ना वो जंपिंग करता हुआ ऐसे 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 घूमता है। जानवर जितना अच्छा उसको आप एनवायरनमेंट देंगे, उसकी जो आप डाइट दे रहे हैं वो उसके जिस्म पे उतनी ज़्यादा लगेगी, हजम नहीं कर पा रहा वो। सिमिलर ये चीज़ बिल्कुल वैसी है जैसे हम खाना खाते हैं, लेकिन जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं हमारी जो बॉडी है एक शेप में नहीं आती। तो ये आपको मैं उस चीज़ का आपको बता रहा हूँ, जो आपने कहा कि इसका कद क्यों इतना बड़ा है और क्यों हेल्दी है, तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है। आपके भाई की फेवरेट चीज़ मफलून शीप? मफलून शीप जो है ये मशहूर है टक्कर के हवाले से। तो ये जितनी भी आप इसकी जालियाँ देखेंगे ये बाहर की तरफ हुई हुई है, जो ये टक्कर मारता है। और इसने भी ब्रीड किया हुआ है हमारे पास, और ऑलमोस्ट जितने केज के अंदर नज़र आ रहे हैं उतने ही मफलून हम कहीं और ट्रांसफ़र कर चुके हैं हमारे फार्म पे, क्योंकि इनको ज़्यादा मफलून को एक जगह पे रखना अच्छी बात नहीं होती। इनकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं कि एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा जोरदार टक्कर मारने वाला, जोरदार टक्कर मारने वाला, बिल्कुल यही इसने कई दफ़ा हमारा दरवाज़ा। और अभी दूर बहुत खड़े हैं तो आप लोगों के लिए मैं क्लिप यहाँ पे चला दूंगा जिसमें आपको क्लियरली ये नज़र आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट पे भाई हॉक डियर, हॉक डियर जिसको कहते हैं चूहा हिरन, चूहा हिरन सीधे लगता भी चूहा है। ये बड़े ही छोटे से बोने से होते हैं, और ये वो जानवर है जो मेरी नज़र में जितने भी डियर का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने उनको अगर कंपेयर करूं तो मुझे ये ब्लैक बक और चिंकारा से थोड़ा ज़्यादा मजबूत लगता है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है
कि चिंकारा के बच्चों में और ब्लैक बक के बच्चों को जब पाला जा रहा होता है, अगर आप खुद से पालते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा उनको दूध हजम नहीं होता, लेकिन इनके बच्चों के साथ ऐसा कम से कम होता है। मतलब इनके बच्चों का जो रेशो है सर्वाइवल का वो ज़्यादा है। इनको भी ये ज़्यादा जम तो नहीं करते हैं, लेकिन ये बोने होते हैं और इनको रखना बड़ा आसान है। छोटी जगहों के ऊपर ये ज़्यादा रह लेते हैं, दरख्तों के नीचे कीचड़ में। ठंडी जगह ज़्यादा पसंद है, कीचड़ झाड़ियों वाली और इस तरह का। और ज़्यादा ये फल वगैरह खाना पसंद करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। ग्रीनरी जो होती है वो इनकी डाइट में आप समझ लें कि 60-70% होती है। भाई कौन जू पे बकरियां रखता है पाकिस्तान में, पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे जिमी बकरियां भी रखी हुई हैं भाई। बकरियों का जो दूध है ना, हम डियर्स के बच्चों को फीड कराते हैं। हाँ, ये भी एक लॉजिक है भाई, क्योंकि इनको जो है ना, इनके लिए सबसे डियर्स के बच्चों के लिए सबसे अच्छा दूध जो है ना बकरियों का अच्छा। भाई यहाँ पे इतना छुपा के क्या रखा हुआ आपने? ये एक एंटीलॉप है, ठीक है, ये आपने बहुत रेयरली देखा होगा, इसे एडेक्स कहते हैं। और आपने बहुत देखे होंगे एडेक्स, आपने जगह जगह पे है। तो ये एडेक्स की फीमेल है और इसको हमने मेल से अलग कर लिया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये भी ब्रीड करने वाली है। यार जिमी, एडेक्स ओरेक्स दुबई का है, एडेक्स कहाँ का है? एडेक्स जो है वो, ये एडेक्स जो है ये भी उसी रीजन का है। उसी रीजन का है, आपस में ब्रीड तो नहीं करते ये? नहीं, आपस में ब्रीड नहीं करते ये। बच्चे विजिट किस दिन करें? आपकी अगर मतलब फैमिलीज वगैरह जो विजिट करना चाहते हैं, उसका फ्राइडे सैटरडे संडे बेस्ट डे है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक अवेयरनेस सेशन भी होता है, तो यहाँ पे आके आप उसको विजिट कर सकते हैं। एनिमल्स को हम वहाँ पे उस शो के दौरान इंटरेक्शन शो कहते हैं हम उसको, उसमें हम इंटरेक्शन भी करवाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स भी यहाँ पे बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनको टच करके, उस शो के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, शो के अंदर कर सकते हैं, बाकी क्योंकि हमने ब्रीडिंग की चीज सेट की है और एक एजुकेशनल पार्ट, मतलब हर चीज एक एक है जो बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हर चीज एक एक तो नहीं है, मोस्टली हमारे पास रेप्टाइल्स एंड एक्सोटिक एनिमल्स और छोटे जो है वो बच्चे पकड़ेंगे रेप्टाइल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कर सकते हैं। एक और पूरा मुकम्मल एक व्लॉग बना है जिसके अंदर आप हमारे पास जो बिग कैट्स हैं उसको भी दिखाएं, जो घोड़े हैं हमारे पास। शाम हो रही है, वीडियो का यहाँ एंड करते हैं। बहुत मजा आया, सीरियसली कसम से बहुत मजा आया।